लैंग्वेज और प्यार के अंदर बैरियर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगी, प्यार का भाषा समझना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस नागरिक अभिनंदन समारोह में मंच पे विराजमान आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री YS जगन मोहन रेड्डी जी, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, आंतरिक नमस्कार। मैं अभिमाना निकी धन्यवाद। राष्ट्रपति के रूप में आंध्र प्रदेश की अपनी पहली यात्रा के दौरान आपके आमंत्रण और स्नेहपूर्ण अतिथि सत्कार के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, मुख्यमंत्री श्री YS जगनमोहन रेड्डी जी और आंध्र प्रदेश के लगभग 5 करोड़ निवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तिरुमल्ला तिरुपति से सभी देशवासियों को आशीर्वाद देने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की पवित्र धरती पर आने को मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ। काल में तिरुपति मंदिर में श्री बालाजी से सभी देशवासियों के कल्याण हेतु प्रार्थना करूंगी और मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। विजयवाड़ा के इस क्षेत्र को देवी कनक दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। गदावरी, कृष्णा, पेन्नर, वंशधरा और नागावड़ी जैसे नदियों ने आंध्र की धरती को सिंचित किया है और यहाँ की समृद्ध परंपराओं को प्राणशक्ति प्रदान की है। हम सभी देशवासियों को अपनी नदी माताओं की स्वच्छता और संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। महान बौद्धिक दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर नागार्जुन सागर परियोजना का विकास प्रगति के विरासत से जुड़े रखने का बहुत अच्छा उदाहरण है। नागार्जुन कोंडा और अमरावती में भारत को आध्यात्मिक विविधता का परिचय तो मिलता ही है, साथ ही हमारा देश की श्रेष्ठ कला परंपरा का दर्शन भी होता है। विजयवाड़ा के निकट ही स्थित कुचिपुड़ी गांव से भारत की एक महान नृत्य कला विकसित हुई और इस गांव का नाम हमारी सांस्कृतिक परंपरा में सदा के लिए अंकित हो गया। तेलुगु भाषा और साहित्य की समृद्ध परंपरा से सभी देशवासी परिचित हैं। देशभाषा लंदु तेलुगु लेसा। अर्थात देश की सभी भाषाओं में तेलुगु श्रेष्ठ है। इस अभिव्यक्ति में भारतीय भाषाओं के प्रति गर्व की भावना निहित है। कवित्रयन यानी नन्नया, पिकन्ना, येरन्ना ने भारतीय भाषाओं की अद्भुत अभिव्यक्ति क्षमता का उदाहरण है। सदियों पहले प्रस्तुत किया गया भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठता के को फिर से स्थापित करने की यही भावना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी परिलक्षित होती।
देवियों और स्वजनों, आंध्र प्रदेश की इस धरती की महान सुपुत्री और पूरे भारत का गौरव बढ़ाने वाले कवियंत्री मल्ला का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगी। आज से लगभग 550 वर्ष पहले के रूढ़िवादी समाज में पैदा हुई मल्ला ने एक अद्भुत महाकाव्य रचा, जिसे मल्ला रामायण के नाम से भारतीय साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त किया। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की दृष्टि से आंध्र प्रदेश अनुकरणीय राज्यों में से एक है। प्रसिद्ध नाटककार और समाज सुधारक गुर्जाडा अप्पा राव द्वारा लगभग 130 वर्ष पहले लिखा गया कन्या सुड़कम नाटक आज भी लोकप्रिय है। आंध्र प्रदेश ने जन्म लेने वाली दुर्गाबाई देशमुख ने आज से लगभग 100 वर्ष पहले महिलाओं की उन्नति तथा स्वाधीनता संग्राम में उनकी भागीदारी के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की तथा समाज कल्याण के बहुत से कार्य किए। दुर्गाबाई देशमुख से भी पहले आंध्र के बहू सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें कारावास का दंड भी दिया गया था। स्वाधीन भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश में कार्यभार संभाला था। जो मुझे झारखंड के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी सौंपी गई तो मैं पूरी विनम्रता से ये बात हमेशा याद रखती थी कि सरोजिनी नायडू जैसी महान महिलाओं ने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं उनके अनुसार साहसपूर्वक कार्य करना तथा जनसेवा में लगे रहना ही देश की सेवा करने का सही रास्ता है। महिला सशक्तिकरण तथा राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में अपनी पैतृक भूमि आंध्र के निवासियों के प्रगतिशील और उदार दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए भारत के दूसरे राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कुछ पंक्तियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। डॉक्टर राधाकृष्णन हैज सेड एंड आई कोट, वी द आंध्रास आर फॉर्चुनेटली सिचुएटेड इन सम रेस्पेक्ट्स, द होल्ड ऑफ कंजर्वेटिज्म इज नॉट स्ट्रांग, आवर जेनेरिसिटी ऑफ स्पिरिट एंड ओपननेस of mind are well known, our women are relatively more free, uncut. Dr. Radhakrishnan के अलावा आंध्र प्रदेश से जुड़ी भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति श्री वी बी गिरी तथा पूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी को याद करके मैं विनम्रता से भर जाती हूँ। ऐसी विभूतियों का स्मरण करना कर्तव्य पालन के सहायक होता है। देवियों और स्वजनों, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के इस ऐतिहासिक दौर में सभी देशवासी ये याद करते हैं कि हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम ने आंध्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस वर्ष मणियम बिरुडू अल्लूरी सीताराम राजू गारुन की 125वीं जयंती भी मनाया जा रहा है। केवल 27 वर्षों की अल्पायु में भारत माता के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाला अल्लूरी सीताराम राजू गारू और 25 वर्ष की अल्पायु में वीर गति को प्राप्त होने वाले भगवान बिरसा मुंडा जैसे विभूतियों ने भारत के स्वाधीनता संग्राम को जो योगदान दिया उसके विषय में हमारी युवा पीढ़ी की भलीभांति परिचित होना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि उल्लूरी सीताराम राजू मेमोरियल जनजातीय संघ स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने तथा देश भर में जनजातीय महानायक की स्मृति में म्यूजियम और मेमोरियल्स का निर्माण करने की ऐतिहासिक निर्णय के लिए सभी देशवासियों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए
आंध्र प्रदेश के निवासियों को विशेष गर्व का अनुभव होता होगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा को आंध्र के ही पिंगोली वेंकैया जी ने इतना सुंदर ये स्वरूप प्रदान किए थे। देवियों और सज्जनों, अमृत काल में आधुनिक प्रगति की यात्रा में आगे बढ़ते हुए सभी देशवासी ये याद रखते हैं कि भारत में मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास में आंध्र प्रदेश की अग्रणी भूमिका रही है। देश की युवा पीढ़ी को आज से ठीक 100 वर्ष पहले सन 1922 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जाकर अध्ययन करने तथा फार्मेसी और बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देने वाली डॉक्टर येल्ला प्रगोडा सुब्बा राव की विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। डॉक्टर सुब्बा राव के अनुसंधानों से मानवता के हित में अनेक दवाओं का बनाया जाना संभव हुआ। ये उल्लेखनीय है कि आयुर्वेद में भी उनकी गहरी रुचि थी। मैं एक बार फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करना चाहूंगी। इस नीति के अनुसार हमारे विद्यार्थियों को अपनी परंपरा के गौरव को बनाए रखते हुए आधुनिक विश्व में अपना प्रमुख स्थान बनाना है। यही कार्य डॉक्टर सुब्बा राव ने एक शताब्दी पहले किया था। आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में स्थित इसरो के श्रीहरिकोटा रेंज में अंतरिक्ष विज्ञान के नई प्रतिमान निरंतर स्थापित किया जा रहा है। विज्ञान और तकनीकी, विशेषकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के लोगों ने पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आंध्र प्रदेश के तेलुगु डायस्पोरा के पूरे विश्व में प्रभावशाली स्थान है। उनमें बड़ी संख्या टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की है। देवियों और सज्जनों, राज्यपाल श्री हरिचंदन जी के कुशल मार्गदर्शन और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में तथा आंध्र प्रदेश के प्रतिभाशाली और निष्ठावान लोगों के सहयोग से इस राज्य की विकास यात्रा आगे बढ़ते जा रहा है। इसके लिए मैं राज्य सरकार की पूरी टीम को सराहना करती हूँ। आंध्र प्रदेश के निवासी भारत के विकास में अपना असाधारण योगदान देते रहेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं आंध्र प्रदेश के सभी भाई बहनों को और बच्चों से स्वर्णिम भविष्य की शुभकामना व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ भारत के विकास में आंध्र प्रदेश का बढ़ चढ़कर हिस्सा रहेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आंध्र प्रदेश। On behalf of people of Andhra Pradesh, I thank our Honorable President for sharing very inspiring and vitalizing thoughts with us. Now I would request all the dignitaries to kindly rise for the national anthem by police band. Thank you, one and all.